नरसिंहपुर की जानी मानी शैक्षणिक संस्थान सरस्वती शिशु मंदिर उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय में बहुआयामी ग्रीष्मकालीन शिविर 4 मई से आयोजन किया जा रहा है। इसका समापन 25 मई को होना है। इस शिविर में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण, आर्ट व चित्रकला, संगीत व गायन एवं व्यक्तिगत विकास, भाषण कला, सुलेखा, इंग्लिश स्पोकन की विधाओं भी सिखाई जा रही है। इसके साथ जूडो, कबड्डी, खो खो, शतरंज जैसे खेलों में भी परंपरागत किया जाएगा और अभिनय नाटक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल के साथ समाज सेवी इंजीनियर सुनील कोठारी ने शिविर में पहुंचकर बच्चों का हौसला अफजाई किया। IN7 न्यूज के लिए नरसिंहपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। देश में प्रतिवर्ष बाढ़ एवं नदी में डूबने की घटनाओं में हजारों लोगों की मौत हो रही है। इसी को ध्यान में रखकर NDRF की टीम ने नरसिंहपुर जिले की ब्राह्मण घाट के नर्मदा नदी तट पर एक कैंप का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा सोशल वर्कर एवं स्थानीय मछुआरों को बाढ़ के दौरान डूबते हुए लोगों को कैसे बचाया जाए, साथ ही नाव पलटने के दौरान ऐसे लोग जो तैरना नहीं जानते हैं उन्हें किस तरह रेस्क्यू किया जाए, विषम परिस्थितियों में मामूली सामग्रियों के साथ बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। IN7 न्यूज के लिए नरसिंहपुर से विनोद कुमार कोरी की रिपोर्ट। आज हमारी 11th बटालियन NDRF वाराणसी की जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स सेंटर भोपाल है उसकी टीम ने यहाँ पे एक मॉक एक्सरसाइज किया है फ्लड सिनेरियो के ऊपर, जिसका मकसद ये था कि लोगों को फ्लड सिचुएशन यदि आती है और यदि लोग डूब जाते हैं या डूब रहे होते हैं तो उनको कैसे बचाया जाए। उस सिलसिले में हमने एक यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट किया था, जिसमें हमने एक बोर्ड को कैप्साइज किया था जिसपे 10 लोग बैठे हुए थे, उसमें से कुछ स्विमर थे, कुछ नॉन स्विमर्स थे। तो स्विमर्स तो नॉर्मली स्विम करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो नॉन स्विमर्स है उनको हमारी स्पेशलाइज्ड NDRF की टीम और डीप डाइवर्स की टीम ने जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम लोगों को रेस्क्यू करते हैं, वेरियस रेस्क्यू टेक्निक्स के थ्रू उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला। इस मॉक एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था कि यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम NNY केस टू NGOs, उनको एक तरह से इस मॉक एक्सरसाइज के द्वारा ये सिखाने का हमने प्रयास किया कि यदि ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे।